नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। बिहार पुलिस में तैनात महिला डीएसपी विवादों में घिर गई है। दरअसल वो अपने पति के कारण विवादों में घिरी हुई है, जिसके कारण उन्हें फजीहत झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि महिला डीएसपी और उनके पति की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उनका पति आईपीएस की वर्दी पहने हुए अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहा है। लेकिन खास बात तो यह है कि उनका पति आईपीएस नहीं बल्कि आम लोग है। जिले के सीनियर अधिकारी की माने तो महिला डीएसपी के पति गैर कानूनी ढंग से आईपीएस की वर्दी पहना है, जो कि आम लोगों के लिए नहीं होता है। अब इस मामले की एसएसपी ने इस पूरे मामले का रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेज दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय महिला डीएसपी पर कार्रवाई कर सकता है। क्या कुछ खबर है आपको बताते हैं। मामला भागलपुर जिले की कहलगांव डीएसपी रेशु कृष्णा से जुड़ा हुआ है। रेशु कृष्णा अचानक से विवादों में घिर गई है। उनकी कई तस्वीर सामने आई है, जिसमें वह अपने पति के साथ दिख रही है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि रेशु कृष्णा के पति आईपीएस ऑफिसर की वर्दी में दिख रहे हैं, जबकि भागलपुर एसएसपी का कहना है कि डीएसपी के पति आईपीएस अधिकारी नहीं है। जाहिर है रेशु कृष्णा के पति ने गैर कानूनी ढंग से वर्दी को पहना है। डीएसपी रेशु कृष्णा के पति जो वर्दी पहनी है, उसमें कंधे पर आईपीएस का बैच भी लगा है। उनके यूनिफॉर्म में दिल्ली पुलिस का बैच और नेम प्लेट भी दिख रहा है। एक अन्य तस्वीर में देखा जा रहा है कि रेशु के पति ने एक दूसरी वर्दी पहनी है, जिसमें यूनिफॉर्म का कलर भी चेंज है। उन्होंने पुलिस की कैप भी पहनी है, जो कैप गजटेड कैंडर अधिकारी को मिलती है। जानकारी मिली है कि मामले की जांच शुरू होने के बाद कहलगांव एसडीपीओ और उनके पति अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आईपीएस वर्दी पहने फोटो को हटा दिया है। हालांकि फोटो हटने से पहले यह तस्वीर तेजी से वायरल हो चुका था, जिसके आधार पर पुलिस मुख्यालय ने जाँच बैठाई है। जिसमें खुलासा हुआ है कि एसडीपीओ के पति आईपीएस अधिकारी नहीं है। भागलपुर एसएसपी निताशा गुड़िया ने पूरे मामले की जांच कर पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दी है। माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय कहलगांव एसडीपीओ पर कार्रवाई कर सकता है। कहलगांव डीएसपी रेशु कृष्णा ने कहा कि वे इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं जानती है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मैडम ने कहा है कि उन्होंने तस्वीर नहीं देखी है। फिर उन्होंने कहा कि वे इस बारे में कुछ भी नहीं बोलेगी। इस मामले में भागलपुर के एसएसपी से बात की तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। कहलगांव से जवाब मांगा गया है, जो जवाब मिलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह पूरे तरीके से गैर कानूनी है। पुलिस या सेना का वर्दी किसी आम आदमी के लिए नहीं होता है। गौरतलब है कि सेना और पुलिस का वर्दी आम लोगों को पहनने पर प्रतिबंध है। इधर डीआईजी सुजीत कुमार ने इस मामले पर कहा कि इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के स्तर से मामले की जांच एसएसपी ने कराई थी। पुलिस मुख्यालय को जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। भागलपुर जिले के कहलगांव डीएसपी रेशु कृष्णा अपने पति के वजह से विवादों में घिर गई है। दरअसल उनका पति एक आईपीएस की वर्दी पहनकर अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहा था, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है। अब इस तस्वीर वायरल होने के बाद एसएसपी ने पूरे मामले की जांच की और जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया है। पुलिस मुख्यालय जांच रिपोर्ट के आधार पर महिला डीएसपी पर कार्रवाई कर सकती है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस मुख्यालय इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।